दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे कुवैत वुमेन वर्सेस नेपाल वुमेन्स का। मैच तो कवर करने का इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को एक सही तरीका से मैं समझा सकूँ। क्योंकि देखो मैच काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वो लक जो है ना वो बढ़िया नहीं है हमारा। देखो कि सुबह के टाइम भी कॉन्टेस्ट में ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कॉन्टेस्ट में काफ़ी कम ज्वाइन किया, सिर्फ 8 कॉन्टेस्ट, वो भी मिनी जीएल और जीएल, कुछ नहीं है ना। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन रिसर्च वगैरह सारा कुछ बेहतर है, लेकिन टाइम बेहतर नहीं है। लेकिन मुझे मैच अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कम से कम मैं समझा तो पाऊँ, ताकि आप खुद का भी कॉल ले लो। क्योंकि मैच जो है ना सिर्फ एक प्लेयर और वीसी पर निर्भर है, बाकी सारा कुछ सेम रखोगे जीएल भी विन होगा, नहीं तो एसएल भी हारोगे। क्योंकि मैच का कंपटीशन ही ऐसा है, सारे लोगों का 9 प्लेयर सेम रहेगा, 10 प्लेयर सेम रहेगा, एक प्लेयर और एक आग वीसी के ऊपर रहेगा। जैसे मार्को हिल को कल मैंने कैप्टनसी दिया था, वो वर्क ज़्यादा नहीं किया, मात्र 50 फैंटेसी पॉइंट दे गया। आज मैंने मार्को हिल को वीसी किया, वो कैप्टनसी वाला वर्क कर रहा है, इसलिए मैं स्मॉल लीग नहीं खेल रहा हूँ। आप लोग भी अभी थोड़ा संभलो, और इंडिया का मैच हमारा शानदार जाता है, सीरीज भी अच्छा, तो इंडिया पर हम लोग थोड़ा बहुत विचार करेंगे और खेलेंगे अच्छा तरीका से। बाकी इस पर देखते हैं लाइनअप के बाद क्या आता है, लेकिन आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो और जीएल पे कुछ खास रैंक लाना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट यानी पिच रिपोर्ट, सारा कुछ एक शानदार टीम बनाने के लिए आवश्यकता जो होती है सारा कुछ मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट टॉप पे पिन होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल 55.5 के सब्सक्राइबर के आसपास चले आओगे। देखो मेरे भाई, यहाँ से तो साफ है कि नेपाल वुमेन्स विन करेगी, कुवैत वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन कुवैत वुमेन्स पहले गेंदबाजी करेगा तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि इनके गेंदबाज जो है अच्छे खासे गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। देखो इनका बेस्ट प्लेयर के रूप में आता है एम ओमर का नाम आता है, पी मुराली का नाम आता है, जो कि बढ़िया ऑलराउंडर है। गेंदबाजी ऑलराउंडर में एम हैदर और ए तारिक है, जो कि बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन मेन काम है गेंदबाजी। लेकिन एम ओमर और पी मुराली का मेन काम है बल्लेबाजी, हालांकि गेंदबाजी भी अच्छा करते थे। ये चार इनका बेस्ट है, और पहले गेंदबाजी करेगा तो एक इनका बेस्ट हो जाता है एम जसवी, जो है यहाँ पे मारिया जसवी, ये गेंदबाजी ठीक ठाक करते हैं। रिकॉर्ड खास नहीं है, विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन पावर प्लेयर डेथ में आ जाती है। तो यहाँ जो आप चार देख रहे हो, ये चार इंपोर्टेंट और एक पी मुराली, तो इनके प्लेयर पांच प्लेयर ही इंपोर्टेंट है, ये पांच पर ही निर्भर करेगा। बाकी मेरे भाई नेपाल वुमेन्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेपाल वुमेन्स की खास बात क्या है कि इनके ओपनर सेफ नहीं है, कौन ओपनर आएगा कहना मुश्किल है। इनका गेंदबाजी अटैक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पी महतो के आने से, पूजा महतो यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट कैप्टन वीसी हो सकता है अगर यदि जीएल पे चाहो तो, क्योंकि ओपन आई थी 7वें 3 ओवर करे, वीसी का बढ़िया चॉइस होगा, कैप्टन आप सेफ चला जाओ, 5 विकेट सीताराना मगर ले गए तब क्या बताया जाए, ये बेहतर है। कई बार ये ओपन आते, इस बार ये ओपन नहीं आई, अलग की बात है। कविता कन्वर को भी कई बार ओपन भेजा जाता है, वैसे फास्ट गेंदबाज इनसे बेहतर सीरीज में किसी का नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है कविता कन्वर। कविता जोशी बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अमिया की बात किया, देखो इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था नेपाल सीरीज से पहले, मैं बार बार कहता हूँ फिलहाल इनसे ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराया जा रहा, कुछ खास है नहीं, तो ये जीएल का ट्रंप कार्ड होगा, या फिर इनके जगह सामने वाले टीम का सेफ प्लेयर पिक कर सकते हो। सिराता राणा मगर, रुवीना छेत्री, इंदु वर्मा, ये लोग तो सेफ रहेंगे। बल्लेबाजी पर यहाँ से देखा जाए इनका विकेट कीपर को ही लेना होगा, जो कि कई बार वो ओपन कर जाते, के श्रेष्ठ था, काजल श्रेष्ठ था जो है। इनके अलावा देखो एस खडका पहले बल्लेबाजी करेगा तो इम्पोर्टेंट है, सेकंड बल्लेबाजी पे इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं कि हो सके इनकी बल्लेबाजी ना आए, अब इनसे ओपन करा दिया जाए वो बुरा वक्त चल रहा है, कुछ भी संभव है, वही वाली बात है। बीरावल इम्पोर्टेंट है, बल्लेबाजी सेक्शन में ट्राई कर सकते हो, हालांकि 0 पर आउट हुआ, लेकिन रिकॉर्ड इनका बेहतर है। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो, बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा। अब देखो मैं ये टीम बना के रखा हूँ ऑलरेडी, अब वीसी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ किन के ऊपर जाऊँ, टाइम बुरा रहे तो और भी दिक्कतें लगती कि भाई वीसी कौन होगा नहीं होगा, और टाइम सही रहे तो जिनको दो वो वर्क कर जाती है। तो मैं ये टीम यहाँ से बनाया हूँ। अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर क्या आपको चेंज करना चाहिए, अब यहां से देखोगे ये मैं टीम है, अब इनका एक प्लेयर जो कि 2 ओवर डाला था, इनका करियर रिकॉर्ड बढ़िया, ये जीएल का ट्रंप कार्ड होगा, पहले गेंदबाजी करेगा नेपाल, हो सके एक विकेट ले जाए तो आपका काम खराब कर सकता है।
तो ये यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हो। इनके अलावे अब देखा जाए तो इनके टीम पे एक नाम होगा एम जसवी का, ये भी पहले गेंदबाजी करेगा तो इम्पोर्टेंट है। तो ये दो गेंदबाज पे इम्पोर्टेंट है, बल्लेबाज पे दो यहाँ इम्पोर्टेंट है। एस खड़का पहले बल्लेबाजी में, इनकी बल्लेबाजी आ गई तो दिक्कतें हैं। बी रावल ओपन की फिर से ओपन करेगी तो फिर ये दिक्कतें हैं। तो दो बल्लेबाज और दो गेंदबाज, ये दो निर्भर करेगा। और बीसी का देखो बहुत ज़्यादा च्वाइस है, देखो बीसी का सेफ च्वाइस देखोगे तो रुबीना छेत्री, इंदु वर्मा आता है। बाकी थोड़ा सा हटके कविता कन्वर और यहाँ पर पी महतो बहुत फुल रिस्की में आएगा, क्योंकि ओपन आई, अगर यदि ओपन आ जाए और अच्छी खासी गेंदबाजी करती है, लेकिन इनके ओवर कन्फर्म नहीं कितना ओवर करेगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बीसी का आपका च्वाइस होना चाहिए और दो बल्लेबाज दो गेंदबाज जो बताएं वो एक एक बार रोटेट करके आप जा सकते हो। कविता जोशी को ड्रॉप करके दूसरा गेंदबाज ले सकते हो, या फिर यहाँ से पी मुरली, एम उमर, किन्हीं को भी ड्रॉप कर दो। कुवैत की तरफ से पहले बल्लेबाजी करेगा कुवैत तो, बाकी पहले गेंदबाजी करेगा कुवैत तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव करो, लेकिन जो मैंने बताया वो जरूर ट्राई करना। जीएल पे फोकस कर लो, स्मॉल लीग की बात तो आपको खुद पता है, जो कर रहा हूँ वो गलत जा रहा है, फिर जो छोड़ देता हूँ वो फिर सही है। तो चलिए भगवान कृपा से आशा करेंगे हम लोग का टाइम वापस आए और बेहतर रिजल्ट की ओर हम लोग जाएँ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।